एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ये एक केस है, एक बच्ची है 6 ईयर्स की जिसकी एज है, और इसके यहाँ पर एक आधा पौना इंच की एक रसौली है, एक ट्यूमर है। वो सिस्ट भी हो सकता है, वो लंप भी, कोई भी किसी भी तरह का एक लंप है यहाँ पर, जो कि उसको 1 साल से है। बच्ची बहुत वीक, थिन, और कुछ खाती पीती भी बहुत कम है। उसका वेट सिर्फ 16.9 किलोग्राम्स है। जब उससे पूछा गया कि इसका स्वभाव कैसा है या बिहेवियर कैसा है, तो उन्होंने बोला, उसके मदर ने, कि कहना तो ये पूरा मानती है, कभी ज़िद नहीं करती, सब कुछ मान लेती है, और बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ती भी अपने आप ही है। खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर लेना, खुद ही पढ़ाई कर लेनी। कभी इसको हमने बोला नहीं है कि तुम ये करो, ये पढ़ लो। और जब मैंने डर के बारे में पूछा, ओह, कहते डरती तो बहुत ज़्यादा है, अंधेरे से डरती है, अकेले रहने से डरती है, इंजेक्शन से डरती है, कुत्ते बिल्लियों से डरती है, घर से अकेले बाहर जाने से डरती है। सो बहुत सारे डर हैं। तो मैंने पूछा कि अपनी बुक्स का कितना, साफ सफाई का कितना ध्यान रखती है, कहते वो तो पूछो ही मत, बहुत, अपनी बुक्स बहुत संभाल के रखती है, अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखती है, कभी भी गुम नहीं होती इसकी चीज़ें, इतना संभाल के रखती है। और अपने नेल्स को काटना, बॉडी की सफाई रखना, नहाना, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखती है। तो ड्राइंग वगैरह में इसका बहुत कम इंटरेस्ट है। जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे इसको एनालाइज करना चाहते हैं, वो वीडियो रोक के कर सकते हैं। सो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट था, बच्चा कहना मानता है, ज़िद ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जब डर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि बहुत डरती है, फियर ऑफ डार्क, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, और कुत्ते बिल्लियों से अकेले रहने से डर, फियर्स फुल ऑफ, और साफ सफाई बहुत ज़्यादा, अपनी चीज़ कभी गुम नहीं करती। साफ सफाई को हम लेते हैं फास्टिडियस, बुक्स बहुत साफ रखती है, तो संभाल के रखती है, चीज़ें गुम नहीं करती। तो यहाँ पर हम फास्टिडियस लेंगे, फियर डार्क, फियर इंजर्ड लेंगे, फियर्स फुल ऑफ लेंगे, इन्हीं चारों में हमारे पास सिर्फ आर्सेनिक ऐसी मेडिसिन रह जाती है देने के लिए। अगर हम फियर डार्क, फियर इंजर्ड करते हैं, तो इसमें 6 मेडिसिन्स हैं, आर्सेनिक, जलसीमियम, सिट्रामोनियम, हायोसेमस, कैलेडियम एंड वेलेरियाना। तो इसमें हमने आर्सेनिक, जलसीमियम, हायोसेमस, सिट्रामोनियम, ये बहुत बार इस्तेमाल की हैं। हर एक के कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। जो आर्सेनिक है वो बहुत डरपोक होता है, बहुत चीज़ों से डरता है, अकेले जाने से डरता है, अकेला बाहर नहीं जाएगा, अंधेरे से बहुत डरता है, छिपकली से बहुत डरता है, लेकिन साथ के साथ वो अपना सामान, अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखता है। हर चीज़ उसकी जगह पर होनी चाहिए, पूरे ढंग से, पूरे तरीके से उसने हर काम करना होता है, क्योंकि फास्टिडियस है। जो ये लोग होते हैं बहुत ज़्यादा माइन्यूटेस्ट डिटेल्स में जाते हैं। उसके बाद बारी आती है जलसीमियम की, उसमें भी यही सब कुछ है, लेकिन उसमें क्लिंगिंग है और क्वाइट वांट्स टू बी है। सिट्रामोनियम में भी क्लिंगिंग है, लेकिन उसमें जलसीमियम वाली वो क्वाइट वांट्स टू बी, डिस्टर्ब एवर्स टू बी, ये नहीं है। हायोसेमस भी बहुत ज़्यादा डरता है इन चीज़ों से, लेकिन हायोसेमस वाला बहुत इंटेलिजेंट होता है और इनक्विजिटिव बहुत होता है। वो तो डॉक्टर के हर एक्शन को नोटिस कर रहा होता है कि डॉक्टर कहीं इस ड्रॉर में से इंजेक्शन ना निकाल लें, इतना ज़्यादा उसमें डर होता है। सो इस पेशेंट को आर्सेनिक 30 की एक डोज दी, 15 दिन के बाद 200 दी, उसके बाद 1 mg दी, और बीच में ये 3-4 महीने आए भी नहीं। उसके बाद फिर इनको आर्सेनिक 1 mg की 1 डोज दी,
उसी से ये बिल्कुल 100% ठीक हो गए। सो इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम बारीकी से देखते हैं और 2 मिनट में दवाई निकल जाती है, जैसे ये वाली दवाई निकली है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।